क्लास नाइन्थ के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन थ्री ईश्वरन द स्टोरी टेलर के शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस समझेंगे। और अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महेंद्र वाज अ जूनियर सुपरवाइजर। तो क्या जॉब था? तो महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट वेयर ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। तो जहाँ पर जो महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर था वहां पर उसका कार्य था कि वहां साइट पर जितनी भी एक्टिविटीज है उन पर नजर रखना। हु वॉज ईश्वरन, वॉट जॉब डिड ही डू फॉर महेंद्र। तो ईश्वरन वॉज अ वंडरफुल कुक, एक बहुत ही अच्छा आशाजनक कुक, रसोईया था, हेल्पर उसका सहायक था एंड फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, और बहुत ही जो आश्चर्य चकित कर देने वाली कहानियां सुनाता था। He used to tell ghost stories to महेंद्र, वह है उनको महेंद्र को घोस्ट की स्टोरीज भी सुनाता था। और इसके बाद में आपका सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। तो चूंकि कहानियों के माध्यम से वो डराता भी था तो ऑन द हाईवे ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री एज द आई ब्रो सुटेबली आर्क्ड एंड द हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। तो वो किसी भी चीज की कहानी सुनाता था, जैसे कि पेड़ है तो पेड़ की शाखाओं में उसने जैसे लगता है कि आईब्रोज बनी हुई है और जो बिल्कुल घुमावदार है, आर्म घुमावदार है, हैंड्स हेल्ड आउट और अपने हाथों को बहुत ही ड्रामेटिक जो जेस्चर्स देते हुए करता था। हाउ डिड ईश्वर कंट्रोल द टस्कर। तो ईश्वर कंट्रोल द मैड टस्कर, टस्कर मीन्स क्या है? हाथी। तो जो पागल हाथी था उसको कैसे कंट्रोल किया? बाय हिटिंग इट्स थर्ड टोनेल, इसके तीसरे जो टोनेल पैर का नाखून था उस पर प्रहार करके ऑन द क्विक बहुत शीघ्रता से द बीस्ट शिवर एंड कोलैप्स्ड। और जो इतने में ही जो वो जानवर था शिवरिंग की उसने और वो वहीं पे मूर्छित हो गया। व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्र। तो द इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव ईश्वरन के स्टोरी की का महेंद्र के ऊपर वॉज दैट महेंद्र अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो महेंद्र ने खिड़की से बाहर झांकना बंद कर दिया था व्हेन द मून वॉज फुल, जब पूरा चंद्रमा दिखता था। व्हाई डिड ईश्वरन वॉन्ट टू प्रिपेयर स्पेशल फूड। तो ईश्वरन बहुत ही खास भोजन क्यों बनाना चाहता था? ईश्वर वॉन्टेड टू प्रिपेयर स्पेशल फूड टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। तो अपने जो पूर्वज थे उनकी स्पिरिट्स को, आत्माओं को भोजन ग्रहण कराने के लिए बहुत स्पेशल खाना बना रहा था ऑन द डे इस दिन। व्हाट क्वालिटीज ऑफ ईश्वरन मेक अ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर। तो उसको कौन सी उसकी क्वालिटीज हैं जो उसको फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर में बदल देते हैं? तो आप लिखेंगे द क्वालिटीज ऑफ ईश्वरन दैट मेक हिम फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर आर गिवन बिलो। ही चेंजेस अ सिंपल इवेंट इन टू अ स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस। वह एक साधारण सी घटना को एक बहुत ही सस्पेंस से भरी स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है। ही यूजेस ड्रामेटिक लैंग्वेजेस एंड जेस्टर्स, और बहुत ही बनावटी भाषा और हाव भाव का प्रयोग करता है। ही क्रिएट सरप्राइजिंग एंडिंग्स, और उसके जो एंडिंग्स होती हैं वो भी बहुत ही सरप्राइजिंग होती हैं। और इसके उपरांत आप देख रहे हैं कि ट्रू फॉल्स, तो ये आप देखेंगे समझेंगे, जैसे कि जहाँ पे ट्रू है वो सारे ट्रू है, जहाँ फाल्स है तो उसका दिखा हुआ भी है। कि इसमें कन्नड़ा उसके तमिल है, यहाँ पे फ्रूट जो यहाँ फ्रूट नहीं फ्रूट की जगह टिम्बर है, और आप ये देख रहे हैं बॉयज, तो इसमें बॉयज जो दिया गया है तो यहाँ पे टीचर्स नहीं बॉयज है, और फ्रॉम अ ट्री नहीं है, फ्रॉम अ रूफ टॉप है। और ये जो फाल्स है उसके मैंने क्या किए हैं, बेबी नहीं है, फोटस है। और इस प्रकार से आपका इसमें ट्रू फॉल्स सभी कंप्लीट हो रहे हैं, और आपके मल्टीपल चॉइस के भी क्वेश्चंस नेटिक लगे हुए हैं, इनको आप नोट कर लें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। ओके बाय।